तो आज जो मैं चीज़ अनबॉक्स करने वाला हूँ वो है एक 4K एक्शन कैमरा, जिसकी वजह से आप कहीं भी वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं, मोटर बाइक पे कैप्चर कर सकते हैं, गाड़ी में कैप्चर कर सकते हैं और अंडर वाटर भी आप वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या इसकी बिल्ड क्वालिटी, क्या है इसकी कैमरा क्वालिटी और कैसे ये वर्क करता है। तो बिना कुछ कहे चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम इसके बॉक्स पे आते हैं तो हमें सामने मिलता है इसका एक्शन कैमरा का फुल क्लियर व्यू, जो अभी हम थोड़ी देर में खोलेंगे। और हमें सामने में लिखा हुआ मिलता है स्पोर्ट्स वाईफाई, जो ये कंपेटेबल है, वाटर प्रूफ अप 30 meters, 4K अल्ट्रा HD और 12 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा डला हुआ है। और यहाँ एक्शन कैमरा और कुछ पिक्चर्स। और अगर हम इसके साइड पे आते हैं हमें मिलता है इसके बॉक्स के अंदर क्या है, इसके अंदर है वाटर प्रूफ हाउसिंग, फ्रेम, माउंट्स और एक अलग तरह का माउंट्स, हैंडल बार और रिमोट शायद इसमें ना हो क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं था। और पीछे अगर हम आते हैं तो उसके मिलते हैं स्पेसिफिकेशन, जिसमें आता है वीडियो 4K 1080p 720p सुपर वाइड एंगल 170 degrees, वाटर प्रूफ अप टू 30 meters। और इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे इन सब के बारे में। और अगर इस साइड पर आते हैं मिलता है 12 megapixel कैमरा और वाईफाई कंपेटेबल है, वही वाटर प्रूफ, 1050 mAh पावर बैटरी है इसमें, HDMI केबल इसमें, माइक्रो HDMI या 170 degree का इसमें लेंस है इसका कैमरे का, और 2 inch LCD इसकी वजह से आप थोड़ा सा बड़ा देख सकते हैं। तो चलिए इसको खोलते हैं हम। और अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो इसकी पैकेजिंग बिल्कुल GoPro कैमरा जैसी हुई भी है, लेकिन फ़र्क यह है कि इसमें चाइना का GoPro है और वो असल GoPro है। लेकिन इसकी पैकेजिंग को देख के लगता है कि ये शिपिंग के दौरान ज़रूर इसके अंदर सेफ्टी ज़रूर होती होगी। तो ये इसका हम प्लास्टिक निकाल देते हैं और ये हमारे पास मिलता है फिर ये सामने एक्शन कैमरा। और यहाँ से आपको पुश करना पड़ेगा ताकि एक्शन कैमरा निकल जाए। और ये रहा एक्शन कैमरा जैसा आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद आते हैं और सबसे पहले हम इसके देखते हैं इसके अंदर एसेसरीज हमें क्या क्या मिलती हैं। और इसके अंदर क्योंकि बहुत सी एसेसरीज़ हैं, क्योंकि ये हमारे हर चीज़ पे लगाने के लिए काम आ सकती है, इसलिए इसमें बहुत सी एसेसरीज़ दी गई हैं। तो अगर हम इसके एसेसरीज पे आते हैं तो हमें मिलता है सबसे पहले एक सिंपल सा एक माउंट, जिसके वजह से आप कहीं भी इसको माउंट कर सकते हैं। और फिर आता है इसके ऊपर प्रोटेक्शन के, जिसके वजह से आप इसको लगा कर कहीं भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और अगर गिरेगा तो प्रोटेक्ट रहेगा। और फिर आएगा हमारे पास ये इसका माउंट, जो ये जिसके ऊपर सेल्फी स्टिक और कोई सी भी ट्राइपॉड माउंट लग जाएंगे। फिर ये है हमारे पास चार्जिंग केबल इसको चार्ज करने के लिए। और फिर इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये है वाटरप्रूफ केस। और फिर आता है ये बाइसाइकिल और पोल माउंट, और ये है बाइक माउंट, जिसके वजह से आप अपने बाइक के हेलमेट पे ये अपना एक्शन कैमरा लगा सकते हैं। और ये है कुछ ये स्ट्रैप, जो अपने आप सर पे या बाइक पे के हिसाब से आप अपने कहीं भी लगा सकते हैं। तो अब हम अगर डायरेक्ट एक्शन कैमरा पे आते हैं तो सबसे पहले हम इसको इसके वाटरप्रूफ केस में से निकालेंगे, क्योंकि ये वाटरप्रूफ केस बहुत कीमती है, क्योंकि ये अगर एक बार टूट गया तो ये फिर मिलता नहीं। और ये आप देख सकते हैं इसका फुल व्यू एक एक्शन कैमरा का। अब चलते हैं डायरेक्ट एक्शन कैमरा के लिए कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं और कैसे ये वर्क करता है। और अगर हम इसके फ्रंट पे आते हैं तो हमें मिलता है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा HD कैमरा, और इसी में ही हमें मिलता है वाइड एंगल कैमरा, जिसमें 170 डिग्री तक आप इसके अंदर एक फ्रेम में कैप्चर कर सकते हैं। और अगर हम इसके साइड पे आते हैं तो हमें मिलता है एक स्पीकर के साथ अप एंड डाउन करने का बटन, जिसकी वजह से आप इसकी डिवाइस में नेविगेट करके डिफरेंट ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हैं। और अगर हम इसकी दूसरी साइड पे आते हैं तो हमें मिलता है माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट, और उसी के साथ माइक्रो HDMI पोर्ट, और उसी के ऊपर हमें मिलता है SD कार्ड होल्डर, जिसके अंदर आप अप टू 64 GB का SD कार्ड लगाकर इसके अंदर वीडियोज़ और फोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं। और अगर हम इसके टॉप पे आ जाते हैं तो हमें मिलता है एक पावर ऑन एंड ऑफ करने का बटन, जिसके साथ ही हमें मिलता है एक ओके करने का बटन, जिसके वजह से आप कोई भी ऑप्शन इस एक्शन कैमरा में सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके पीछे है 2 inch की बिग LCD, जिसकी वजह से आप इसके अंदर वीडियोस और इमेजेस देखकर आप इसके अंदर कैप्चर कर सकते हैं। और अगर हम इसके बॉटम पे आ जाते हैं तो हमें मिलता है एक बैटरी कंपार्टमेंट, जिसमें 1050 mAh की बैटरी इंसर्टेड है, जिसकी वजह से आप आराम से 3 से 4 घंटे आराम से आप वीडियो या इमेजेस खींच सकते हैं। और इसके बैक पे हैं दो तरह के LED, जो एक चार्जिंग का इंडिकेट करती है और एक इंडिकेट करती है कि अगर ये ऑपरेट कर रहा है या नहीं। और आप ये देख सकते हैं कि एक्शन कैमरा कैसे वाइड एंगल के साथ ये वीडियोस कैप्चर करता है कि एक लंबा चौड़ा एक डेस्कटॉप इसकी एक पूरी फ्रेम के अंदर आ चुका है। और अब कुछ का क्लिप्स मैंने ये एक्शन कैमरा की मदद से ली है, जिसकी वजह से पता चलता है कि इसकी कैमरा क्वालिटी मेरे हिसाब से एवरेज यूट्यूबर के लिए या एवरेज मोटो व्लॉगर के लिए ठीक ठाक है।
को 2 मिनट के लिए अंदर पूरा डिप कर दिया है, लेकिन अभी तक इसको कुछ नहीं हुआ है और देख सकते हैं ये फुली फंक्शनेबल है। तो मेरे हिसाब से ये वाटरप्रूफ टेस्ट में भी पास हो चुका है। और इस डिवाइस में 20 से 25 अलग अलग तरह के सेटिंग्स हैं, जैसे कि रेजोल्यूशन, एक्सपोजर, मोशन डिटेक्शन, साइकुलर रिकॉर्ड, वीडियो लैब्स, VDR, रिकॉर्ड वीडियो, डेट स्टैम, इमेज साइज, क्वालिटी, कैप्चर मोड, शार्पनेस, और इसके साथ ISO, एंटी शेकिंग, वाइट बैलेंस, फ्रीक्वेंसी, OHD मोड, स्क्रीन सेवर, रोटेट, ऑटो पावर ऑफ, लैंग्वेज, बीप साउंड, डेट टाइम, कार मोड, वाईफाई SSD, वाईफाई पासवर्ड, डिलीट फॉर्मेट, डिफ़ॉल्ट और उसका वर्जन, और इतनी सारी सेटिंग इतने कम प्राइस वाले में आपको कहाँ मिलेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर ये एक्शन कैमरा किसी को चाहिए हो तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके इसको परचेज कर सकते हैं। और इसको मैंने Dharaz.pk से 23 रुपये में परचेज़ किया है, और इसकी क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगी है, और इसकी कैमरा क्वालिटी तो प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी है। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।